सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे? मैं भी बहुत बढ़िया, सभी को राम राम। सो भाई पहली बात तो आप कमेंट करके ये बताइए कि पिछले व्लॉग्स कैसे लगे मेरे, हनुमान जी की शोभा यात्रा के। और नहीं देखे तो सबसे पहले जाके देख लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हो बाद में, सब्सक्राइब नहीं करते। और भाई हाँ, आई एम सॉरी कि मेरे थोड़े डिले चल रहे हैं व्लॉग, बिकॉज डिले क्या, मैंने दो दिन से बना ही नहीं रहा था मैं। और मैं बताता हूँ मेरा क्या रीज़न था नहीं बनाने का, बिकॉज करवा चौथ आने वाला है, 1 नवंबर का करवा चौथ है। तो हमारी कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बिजी हैं, बिकॉज इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, और जिम की भी मेरी छुट्टी चल रही है। सो भाई अब सीधा आपको बाहर लेके चलते हैं, दुकान दिखाते हैं आपको हम कैसी लगी हुई है दुकान। पर भाई आ चुका है शॉप पर, और अभी दिखाते हैं हम कैसे बिजी हैं, क्योंकि सुबह लगती है 7 बजे दुकान लग जाती है, और फिर रात को 11, हमने कल भी 11:30-12 बजे गए थे हमें। और ये देखो भाई, इधर भी सामान लगा पड़ा है पूरा, ठीक है, ये सारा इधर लगा हुआ है, ये देखो। इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। और इस साइड भी चूड़ियाँ लगी हुई हैं, सब देखो भाई, देख रहे हो। इस वजह से अब आप समझ सकते हो कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कस्टमर्स देखूँगा या व्लॉगिंग करूँगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो भाई इसलिए, और जल्दी से जल्दी डॉली ब्यूटी पार्लर पे आए और सामान लेके जाएं, क्योंकि 1 तारीख का करवा चौथ है। और जिसको नहीं पता है भाई एड्रेस, तो मेरे से पूछ सकता है कमेंट करके, मैं बता दूंगा कहाँ कैसे कैसे आना है। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आप लोग को, तो आ सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आ रखी हैं। सो भाई वेलकम बैक। भाई मैंने सुबह का शॉट डाला था, सुबह मैंने वो 8 या 9 बज रहे थे जब मैंने वीडियो बनाई थी पूरी की, दुकान वकान दिखाई थी आपको। और अब टाइम हो रहा है भाई, आप बोलोगे कि झूठ बोल रहे हैं, ये देख लो भाई टाइम क्या हो रहा है, देखो 10:30 बज रहे हैं। और भाई पहले तो तुम्हारे भाई के हाथ की हालत देख लो क्या हो रखी है बहुत बुरा हाल हो रखा है। और ये देखो भाई, नेल पेंट लगा लगा के दिखा रखी है सबको, तो अभी मिटा रखी है मैंने, मिटा दी है, क्योंकि नेल्स देखो क्या हो रखे हैं। पूरी दुकान अभी भी वैसी लगी हुई है, बिकॉज कस्टमर हैं अभी भी हमारे पास 10:30 बजे तक। तो कल भी हमने 1 बजे खाना खाया था, मैं जिससे व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। ये देखो भाई, ये खड़े हैं कस्टमर, अंदर भीड़ हो रही है, और पार्लर में भी मम्मी के पास कस्टमर्स हैं, भीड़ है। सेट बन रहा है क्या? चलो बनाओ, गुड 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 गुड, अच्छा काम कर रहे हो आप। ये देखो भाई रिबॉन्डिंग, 3 बज जाएंगे फिर बोलना नहीं भाई रिमॉर्निंग के कस्टमर आए हैं, पर अभी हम उनको मना कर रहे हैं, बिकॉज रात के 3 बज जाएंगे यार, मैं करते हुए बहुत टाइम लगता है उसमें, तो इस वजह से। और अब भाई ये पूरा बाइंड अप करके दुकान के अंदर भी करना है, क्योंकि बाहर है ये, हमने टेंट वेंट लगा के रख रखा है। तो भाई आप लोग भी आइए डॉली ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा सामान है वाकई में, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो है यार अच्छा तो है। कमेंट करके बता देना जो जो हमारे कस्टमर हैं जो मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा सामान है, रिव्यूज़ देना, जब भी लोग कमेंट बढ़ के आएंगे। और भाई सॉरी छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, वो आप देख सकते होंगे। और मैं जस्ट अभी खाना ले आया हूँ अपने लिए बाहर से, इस वजह से भाई बहुत। और नई बिंदी आई है भाई ओम वाली, ये देखो न्यू बिल्कुल, ठीक है भाई। तो डिनर पे मिलते हैं, अब कितने बजे खाना होगा वो देखते हैं। तो भाई फाइनली अब टाइम हो रहा है 12:30, और भूख लग रही है बहुत तेज़, हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, और मैं खाना लेके आ गया भाई। आज है हमारे खाने में दाल मखनी, चावल और रोटी। भाई फटाफट इंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है बात करने के लिए।